लेके आए हैं बहुत ही बड़ी वैकेंसी फॉर द UPCHO एंड ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। सो हियर इज द वैकेंसी फॉर 1800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फ्रॉम नेशनल हेल्थ मिशन यूपी। सो देखते हैं इस सारी वैकेंसी में हम देखने वाले हैं डिटेल प्रोसीजर, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन यूपी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ऑफ यूपी टू स्ट्रेंथन सब सेंटर्स एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट शाल बी पोस्टेड एट सब सेंटर्स एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल दी गई है। इस एप्लीकेशन की लिंक में पीडीएफ लिंक और फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो डेट फॉर एप्लीकेशन आपकी 13 मार्च 2021 से लेकर 19 मार्च 2021 तक होने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स with integrated curriculum of certificate in community health for nurses from a Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized institute or university will eligible to apply. Registered as nurses and midwives in UP Nurses and Midwives Council. तो registration भी चाहिए UP Nurses and Midwives Council के लिए। In case registration certificate is not available, candidate have to annex copy of registration slip duly self-attested with application form. The candidate shall submit the registration certificate within 3 months. अगर registration certificate नहीं है तो आपको एक annex form देना होगा और वह जो original certificate है आपको within 3 months में submit करना है। Age limit दी गई है यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर एज पर द यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। सैलरी कितनी होने वाली है, तो सैलरी टोटल आपको मंथली 20,500 पर मंथ ऑनोरिया प्लस आपको इंसेंटिव मिलने वाले हैं 15,000। इसका मतलब टोटल 35,500 पूरी मंथ की सैलरी होने वाली है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एक श्योरली बॉन्ड लेंगे आपसे जो कि 2.5 लाख का होगा और वो बॉन्ड आपको 100 रुपीज की नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पे लिख के देना होगा और वह बॉन्ड होगा आपका मिनिमम 3 ईयर के लिए। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही सबमिट करनी है और जो भी आप कैंडिडेट्स हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन इन रिस्पेक्टिव सोशल कैटेगरी मस्ट सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ परमानेंट रेसिडेंशियल प्रूफ इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्मेट और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा शैल बी रिजेक्टेड। सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट accelerated by the scores obtained in the aforesaid required essential qualification. BSc Nursing, Post BSc Nursing, Theory and Practical Examinations. तो ये थी आपकी गवर्नमेंट नर्सिंग वैकेंसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश।
ये सारी वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है, तो इस बिफोर एप्लीकेशन आप सारी देख के ही सारे डिटेल्स भरना है, ओके। और अगर आपको ऐसे ही नई वैकेंसी चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ नर्सिंग गुरु, और हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कोर्सेस, जो कि मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग गुरु।